राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कुछ बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं, कुछ मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं और थोड़े करेले भी हैं। बट ना, मैं बहुत सारा सब्जी लगाया हुआ था मैंने, लेकिन गर्मियों में सब खराब हो गए। और बैंगन का है ये, तो वैसे पिछले साल का बैंगन है जो अभी गर्मियों में थोड़ा सूख सा गया था, और बारिश में अच्छा इसका सक्सेस ग्रोथ हो रही है अच्छी से। तो इसको अलग अलग कैरी बैग में लगाया है। तो ना, आप नर्सरी से या फिर आप बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हो। जैसे बीज से ग्रो करोगे ना, तो किसी गमले में लगा लेना, और या फिर मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हो। अगर मिट्टी में भी लगा रहे हो तो थोड़ा अलग अलग दूर दूर लगाइए, क्योंकि बैंगन का पौधा ना अच्छा घना होता है, बड़ा होता है, तो उसको ग्रो होने के लिए ना जगह चाहिए होती है। तो इसी कारण जैसे आप गमले में भी लगा रहे हो तो एक प्लांट को एक ही गमले में लगाइए, पौधा अच्छे से चलेगा और अच्छे से सक्सेस होगा, और आपको फ्रूट भी देगा, सब्जी निकाल के देगा, अपना फ्रूट निकालेगा। बैंगन वेजिटेबल बोलेंगे ना इसको, क्या बोलेंगे, फ्रूट या वेजिटेबल? हाँ, तो ये अपना बैगन निकाल के देगा। और ये देखिए, इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें बैगन बनेंगे। और ये वाइट कलर का और ग्रीन कलर का बैगन है, मेरे पास ब्लू कलर का भी था लेकिन गर्मियों में वो ख़राब हो गया। और ये देखिए, सभी प्लांट में बैगन आए हैं। बस इसको पानी का ज़रूरत रहता है, जैसे प्लांट आपके हम बढ़ गए ना, तो बस पानी दीजिए और गोबर खाद दे सकते हो। अगर गोबर खाद नहीं है ना, तो आप जो किचन का जो पानी निकलता है ना, आप उसको दीजिए। ये प्लांट आपको ज़रूर खिलेगा, क्योंकि बैगन को ज़्यादा देख रेख, इसमें ज़्यादा फंगस भी नहीं लगता। और जैसे पत्तियों में कुछ अगर लग गया है, तो इसको फ्रूट में कुछ खराबी नहीं होती। और ज़्यादा लग रहा है तो आप हल्दी का पानी भी छिड़क सकते हो, या नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हो, लेकिन बैगन में ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप बस वही नर्सरी से प्लांट ला लीजिए और उसको लगा लीजिए। ये लग जाता है, ग्रो बैग में लगाया है मैंने। और ज़मीन में भी आप लगाओ, ज़मीन में तो और बहुत अच्छा सक्सेस होता है। और मैं इसलिए अभी ये और अच्छा बड़ा होगा, लेकिन मेरे यहाँ ना आता है बंदर, क्योंकि हर बुधवार को ना हमारे यहाँ मार्केट डे होता है, तो शायद उस दिन खाने पीने की चीज़ ज़्यादा मिलती है क्या, तो बंदर भी उस दिन बहुत आते हैं, सबके घर में परेशान करते हैं। तो हमारे घर में भी आके ना मेरी सब्जियों को खा देता है, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। और बैगन लगे हुए हैं, और ना कैमरा पकड़ने में थोड़ा सा वो हो रहा था, तो अच्छे से नहीं आया है इसका पिक। तो आप बैंगन का प्लांट लगा सकते हो अपने किचन गार्डन में, अच्छा, आपको ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्रूट तो बहुत अच्छे से आएंगे इसमें, और फ्रूट मीन्स वेजिटेबल अच्छे से आएंगे इसमें, इसका फल जो आएगा। और ये ग्रीन कलर का, हाँ मैंने ये देखा है कि ग्रीन कलर तो जो बैगन है ना, उसमें ब्लू टाइप का फूल आता है, और जैसे वाइट कलर का जो बैगन है उसमें वाइट ही कलर का फूल आता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तो हम बस अपने गार्डन में बैगन का प्लांट ऐड कीजिए, आपको ज़रूर फूल आपका फल निकाल के देगा। हर 15 दिन में या 8 दिन में आपके यहाँ सब्जी आती रहेगी। वैसे हर किचन गार्डन में कुछ ना कुछ सब्जी मिलती रहती है, तो बैगन उतना ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, इतना सारा बैगन आया है, तो मैं आज इसकी सब्जी बनाती हूँ, कुछ मिक्स वेज बनाऊँगी। तो मेरे को वैसे बैगन बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना देर तक सपोर्ट करने के लिए।